जबलपुर के संजीवनी थाना के अंतर्गत शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। यहां युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वो एक निजी फाइनेंस कंपनी में काम करती है और इसी दौरान उस कंपनी में काम करने वाले एक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। इसी दौरान युवक ने युवती को घुमाने के बहाने ले जाकर शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वो शादी से भी मुकर गया, जिसके बाद युवती ने पुलिस थाना पहुंचकर गढ़ा निवासी आरोपी तरुण नागले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी तरुण नागले के खिलाफ बलात्कार की धारा 376 के तहत मामले को दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर से सुनील सेन की रिपोर्ट। थाना संजीव नगर अंतर्गत कल एक नवयुवती आई थी, उन्होंने आवेदन दिया था कि तरुण रागड़े नामक एक 28 साल का युवक है जो कि शादी सुधा उसको शादी का झांसा दे करके उसके साथ नैतिक कार्य किया है और वह माई मुद्रा नाम माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलाता है और दोनों साथ में काम भी करते थे। हमने सारा उसकी मतलब जाँच करने के पश्चात हमने इसमें मामला पंजीबद्ध किया है। चलो सर, आरोपी कहाँ का रहने वाला है? तरुण लागले ये निवासी गढ़ा का ही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।